नमस्कार इंडिया राज्य में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ लिया, आग लगने के बाद कोई सहायता न मिलने पर जिलाधिकारी को दिया पत्र। उत्तर प्रदेश बलिया में नरी गांव में कुछ महीने पहले आग लगने से कई दो पहिया वाहन लाखों रुपए बर्बाद हो गया, जिस पर सरकार द्वारा राशि देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई सहायता राशि न प्रदान करने पर ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से मिलकर पत्र देकर सहायता की मांग की और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। क्या बताइए, रमाकांत गोंड, मैं मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष बुधवाना पार्टी के। आज क्या मामला है, आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों की है? हमारे मामला ये समस्या है कि नरही गांव में 26 मई 2019 को आग लगा था, जिसमें कि हम लोग पत्रक कई बार जिलाधिकारी और तहसीलदार एसडीएम को दिया गया। हम लोग को गुमराह करते हुए आश्वासन देते हुए कि आपकी ये जो मांग है तत्काल हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन 3 माह तक बीत गया और ये न जाने कि सरकार की नीतियों में मंत्री के कठपुतली की तरफ ये प्रशासन नाच रही है, गरीब का उत्पीड़न कर रहे हैं। पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के मनसा सिक्त है कि गरीब का उत्पीड़न हो, गरीब का सुनवाई न हो, सरकार में बैठ जाने से ये समझते हैं कि गरीब को जितना ही दबाया जाए उतना ही अच्छा कार्य होगा। लेकिन हमारी ये कहना है, आप ये आपकी जिलाधिकारी के माध्यम से मैंने ज्ञापन सौंपा हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने अभी आपने मिला, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बोले हमको इतना बताइए? आश्वासन ये दिए कि आप जो मांग रहे हैं आपकी आवास दिया जाएगा और पात्र व्यक्तियों को जो अग्निकांड के आपदा है राहत वो तत्काल भेज दिया जाएगा। अगर उनके आश्वासन में आप संतुष्ट हैं? अभी तक संतुष्ट नहीं है, जब तक हमारे मिल नहीं, अगर नहीं हुआ तो आगे के प्लान क्या आपके होगा, हमको बताइए। हम लोगों का नहीं मिला तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे।